हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज मैं आपको मल्टी कलर से सॉक्स बनाना बताऊंगी। तो जो भी आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है वो आप ऊपर और नीचे के लिए रख लीजिए, और बाकी ये हमारा ये जो भी थोड़ी थोड़ी बची हुई ऊन है उससे हम ये वाली सॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम धागा डबल करके फंदे डालेंगे। तो इसमें हम 48 फंदे डालेंगे। इस तरह से देखिए, डबल कर लिया हमने धागा। अब देखिए तरह से पकड़ेंगे इसको, तीन चार पांच छ, और 48 फंदे डाल लेंगे। और इसके बाद चार धारियां हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहले 48 फंदे डाल लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 48 फंदे डाल लिए। ये देखिए, ये 5-6 नंबर साइज है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो एक डिजाइन और बना लीजिए, इससे कम बनाना है तो एक डिजाइन कम बना लीजिए, तो छोटा बन जाएगा, बड़ा इससे और बन जाएगा। तो ये देखिए, 1 2 3 4 चार धारियां हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे। तो अब हम सभी फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। 48 फंदे हैं, तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए चार धारियां कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये चार धारियां बना ली मैंने और दूसरा कलर लगा लिया। ये देखिए, 6 सिलाइयां हम इस कलर की, 6-6 से ये डिजाइन बनेगा। तो ये मैं दोनों सॉक्स बना के बताऊंगी, अंगूठे वाली भी और बिना अंगूठे वाली भी। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। अब ये हम सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। पहले 6 सिलाइयां जो हमारी है वो प्लेन ही बनेंगी इस वाले कलर की। जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो ये डिजाइन बनेगा। 1 2 3 4 5 23 फंदे बनाने हमने, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। 23 फंदे इस साइड, 23 इस साइड, और बीच के इन दो फंदों पे अब हम जाली बनाएंगे इस तरह से। तो अब हम धागा आगे करेंगे अपनी साइड को और दो फंदे सीधे बना देंगे, 1 और 2। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 23 फंदे सीधे बना देंगे। ये हमने हमेशा सीधी सिलाई पे इसी तरह से बनाना है इसको। जालियां बनाते जाना है हर सीधी सिलाई पे, और उल्टी सिलाई सभी इसकी उल्टी बनेगी। उल्टी भी दिखा देती हूँ मैं। फिर हम 6 सिलाइयाँ इसकी वैसे ही सेम बनाएंगे। देखिए, अब उल्टी साइड से सभी फंदों को इस तरह से उल्टा बना देंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे हमने फिर से जाली बनानी है। अब ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने 23 फंदे बनाए, अब ये जाली वाला भी हम, अब हमारे 24 हो गए। फिर हम धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों पे हमेशा जाली बनाएंगे। देखिए, 1 2, अब फिर धागा आगे करा और ये 24 फंदे फिर सीधे बना दिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई है, सॉरी तीसरी सिलाई है, चौथी उल्टी, पांचवी फिर सीधी और छठी उल्टी, और फिर अगली सातवीं सिलाई पे मैं आपको डिजाइन डालना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो 3 फंदे पहले हम इस वाले कलर के बनाएंगे, 2 और 3। अब देखिए, ये जो हमारा चौथा फंदा है इसको यहाँ से निकाल के 1 2 3 4 चार धागे निकाल लेने हमने, और पांचवें पे इस तरह से एक फंदा बना लेना है इस तरह से। अगले फिर 3 फंदे बनाएंगे हम, 1 2
फिर ए वाला उतारेंगे, सिर्फ चार ही धागे निकालेंगे, दो तीन और एक चार, चार चार सिलाइयाँ इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार, और पांचवी पे इस तरह से इसको एक फंदा बना लेंगे। फिर अगले तीन, इस तरह से हमें लास्ट तक बना देंगे सभी फंदों को। चार और ये हमारा पांचवा है, तो इसको हम वैसे ही नीचे से बना देंगे। ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन चार, और पांचवें को फिर बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, और इसको एक दो तीन खुले, और यहाँ पे इसको लगा दिया, नहीं तो हमारी ये जाली फिर खुल जाएगी। एक दो बनाए, फिर धागा आगे करा, और फिर यहाँ पे दो फंदों पे जाली बनेगी, एक दो, अब फिर धागा आगे करा, देखिए इस तरह से, और एक दो फंदे बनाए, और तीसरे वाला हमने फिर से खोलना है, वैसे एक दो, ये हम तीन ही खोलेंगे, नहीं तो हमारी जाली फिर यहाँ से खुल जाएगी। अब फिर से हमने लास्ट तक वैसे ही बना देना है, तीन बनाए, एक दो तीन चार खोले, सिर्फ जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तभी हम ये वाला डिजाइन डालेंगे, और बाकी हमारी सभी सिलाइयां प्लेन ही बनेंगी, और यहाँ पे हमारे फंदे वैसे ही बढ़ते जाएंगे दोनों साइड। तो इस तरह से बना लीजिए, इसके बाद पांच सिलाइयां बिल्कुल प्लेन बनानी है हमने। और फिर देखिए अगली बार जब इन तीन फंदों के जो बीच वाला फंदा है, देखिए जब ये वाला कलर लगाएंगे तो इन तीन फंदों के बीच वाले फंदे को हम वैसे ही चार सिलाइयां नीचे खोल के बनाएंगे। तो इस तरह से डिजाइन फिर बनता जाएगा। तो मैं ए वाले पांच सिलाइयां बना लेती हूँ, फिर इस वाले पे फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, छह सिलाइयां लगाने के बाद हमने फिर से वही डिजाइन स्टार्ट करना है। तो पहले हमने तीन फंदे के बाद ए वाला फंदा उतारा था, अब हम एक फंदे, एक दो तीन, ये तीन हमारे इस वाले डिजाइन के, और एक दो हमारे दूसरे के, और देखिए ए और ए, ये हमारा फंदा उतारा, ए भी उतारा हुआ, तो एक दो तीन फंदे, इन तीन फंदे के सेंटर वाला है। अब ए वाला फंदा उतारेंगे हम, पांच फंदे वैसे ही प्लेन बनाएंगे, दो तीन चार पांच। अब देखिए फ्रेंड, इस वाले फंदे को अब हम यहाँ से इस तरह से उतार देंगे, दो तीन चार, चार उतारने के बाद पांचवें पे एक बार फिर फंदा इस तरह से बना लेंगे, फिर अगले तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर इसको ऐसे उतारेंगे, और दो तीन चार, और यहाँ फिर बना देंगे एक फंदा, इस तरह से हमें लास्ट तक बना देंगे, और बीच में जो हमारी जाली बन रही है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। जब इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे तो पहले की तरह तीन फंदे ही उतारेंगे, और चौथे पे फिर उतारेंगे फंदा, तीन फंदे प्लेन बनाएंगे, चौथे पे एक चार फंदे नीचे उतारेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा, छः छः सिलाइयों का डिजाइन, ये देखिए इस तरह से बबल बन के आते हैं फिर। और देखिए एक दो तीन चार, पांच कलर लगाए मैंने, और छठा ऊपर और नीचे। तो इस तरह से आप
बना लीजिए, इतना 40 फंदे हो जाएंगे हमारे टोटल। जब हम ये वाली इस वाले कलर की सीधी सिलाई लगाएंगे वहाँ तक हमारे 40 फंदे इस साइड, 40 फंदे इस साइड हो जाएंगे, और बिना अंगूठे वाले की हमारे 80 फंदे पूरे हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने उतारा फंदा, 3 फंदे बनाए, चौथा फंदा फिर उतारा, इस तरह से हमें बनाते जाएंगे और अपना ये डिजाइन हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस एक ही सिलाई का ये डिजाइन है। तो ये बना लीजिए, फिर आगे दिखाऊंगी मैं इसके अंगूठे बनाना और इसको किस तरह से सिलेंगे। तो इतना बना लीजिए आप, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने। और जब ये कलर लगाया जो जिससे हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे सोल वाला, तो पहली सिलाई पे हमने वैसे ही ये देखिए इस तरह से बनाया, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई है, 2 सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इसके बाद हम, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारे 80 फंदे 80 फंदे हो गए टोटल। अब हमने अंगूठे बनाने हैं, तो ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, जो 2 यहाँ पे सेंटर वाले जो 2 फंदे हैं, एक हम इस साइड करेंगे एक इस साइड। तो देखिए, अब ए वाली सिलाई हम 2 सिलाइयाँ लगा ली मैंने, एक सीधी और उल्टी। अब धागा आगे करके इस तरह से 40 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये जो 2 सीधे फंदे हमारे, एक हमने इस साइड कर दिया एक इस साइड। अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे 40 फंदे, पहले इन 40 फंदों की हम यहाँ पे 8 धारियां बना लेंगे दोनों साइड से। देखिए, पहली सिलाई हमने उल्टी मारी और दूसरी भी हम उल्टी ही मारेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हम 8-8 धारियां बनाएंगे, 16-16 सिलाइयां दोनों उल्टे उल्टे ही बनाते जाएंगे। और ये देखिए, हमारी पहली धारी इस तरह से हमारे 8 धारियां आनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे मैं आपको फिर इसको सिलना बताती हूँ किस तरह से सिलेंगे फिर हम। पहले हम बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये वाली साइड मैंने यहाँ से 10 फंदे बंद कर लिए और एक छोड़ दिए हैं। अब यहाँ मैं बताती हूँ किस तरह से बंद करने हमने, ये 10 फंदे हमने यहाँ से बंद करने, एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमें 10 फंदे यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये 10 फंदे मैंने बंद कर लिए। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम दूसरी सिलाई से इसको इस तरह से एक फंदा इधर का एक इधर का लेते हुए, ये देखिए एक फंदा ये बना दिया, फिर आगे वाला बनाया इस तरह से, और पीछे वाला इसके ऊपर से हम उतार देंगे यहाँ से इस तरह से। फिर अगला बनाया। अब ये देखिए फ्रेंड, अगले वाला बनाया, पिछले वाला इसके ऊपर से उतार दिया, फिर अगले वाले 2 बनाए, पिछले वाला इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हमें लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको सिल के बताती हूँ ये किस तरह से सिलेंगे हम इसको। अब देखिए फ्रेंड, ये हमने बंद कर लिए सभी फंदे। अब यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे हम, तो एक फंदा इधर से एक इधर से, यहाँ हम 2 बार सिल देंगे, और आगे वाले इसी तरह से नीचे तक सिल देंगे सभी फंदों को, दोनों साइड से एक एक लेते हुए नीचे तक सिल देंगे। फिर आगे मैं अंगूठे सिलना बताती हूँ आपको, अंगूठे हमने किस तरह से सिलने हैं। ये देखिए, कलर से कलर मिलाते हुए अच्छे से इसको सिल दीजिए इस तरह से नीचे तक। अब देखिए फ्रेंड, अंगूठे सिलेंगे तो इसको इस तरह से मिलाएंगे और एक कोने से दूसरे कोने तक सिल देंगे। एक कोने से स्टार्ट करेंगे हम इसको सिलना, यहाँ से देखिए
इसको मिलाते हुए दोनों को, अच्छे से मिलाते हुए सिलना है। दोनों साइड से एक कोने से हमने स्टार्ट करा और दूसरे कोने पे हम यहाँ से धागा काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए दो बार धागा घुमाएंगे सुई के ऊपर और यहाँ से इसको काट देंगे। और मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर मल्टी कलर की सॉक्स बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और इजी तरीके से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमने पांच सिलाइयां एक जैसी लगानी है और छठी सिलाई पे इसको बनाना है। तो इस तरह से बना लीजिए। ये पांच छह नंबर साइज है। इससे बड़ा बनाना है तो एक डिजाइन और बना लीजिए, छोटा बनाना है तो एक डिजाइन कम कर लीजिए। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।